हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अभिषेक गेनर्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं इस समय अस्सी घाट पर, और अस्सी घाट पर बहुत भीड़ है। और 15 जान ही रहे, 15 अगस्त है, सेकंड वीडियो मैंने वो वादा किया था। सो मैंने 15 अगस्त का सेकंड वीडियो शाम को ला रहा हूँ, और दूसरे प्लेस का ला रहा हूँ, वो भी आया है अस्सी घाट के पास, क्योंकि यहाँ पर क्राउड भीड़ बहुत ही ज़्यादा होता है, बीटी से भी ज़्यादा होता है। और सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा तो आपने देखा ही। तो आज आपको अस्सी घाट का भी नज़ारा आपको मैंने दिखाया कि कितना आरती हो रहा है। स्पेस एक्चुअली है कम, बाढ़ आया हुआ है तो इसलिए स्पेस कम है घाट पर, तो इसलिए भीड़ और भी ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसका नज़ारा भी देखें, और इस समय भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोड ट्रैफिक एकदम चिल्लाता हुआ हुआ है, एकदम से बहुत ज़्यादा। तो मेरी वॉइस भी आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं घाट पर, और घाट पर चल के आपको गंगा आरती दिखाते हैं 15 अगस्त के दिन कैसा भीड़ है वहाँ पर। बहुत शोर हो रहा है। हम लोग घाट पर पीछे मिलते हैं डायरेक्ट आपसे। फ्रेंड्स, ये आपका जो है आरती खत्म हो चुका है, लास्ट आरती चल रहा है, और गैदरिंग आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन कितना ज़्यादा यहाँ फ्रेंड्स गैदरिंग हुआ है। मेरी फर्स्ट वीडियो अपने मॉर्निंग वाला देखा होगा, तो सेकंड वीडियो ये अपलोड मेरा हो जाएगा। तो ये भी 15 अगस्त के दिन ही वीडियो बन रहा है, और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। सो आरती जैसे ख़त्म होता है तो मैं आगे चलता हूँ। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, देखिए पसीना कितना ज़्यादा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे आरती ख़त्म हो चुका है, और आरती ख़त्म होने के बाद पीछे पीछे देख सकते हैं इतनी सारी लाइन लगा हुआ है अगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। इसके बाद भीड़ आज रोज की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज। और एक्चुअली आज मैं आया हूँ 3-5-6 दिन के बाद इस घाट पर। तो मेरा पिछली वीडियो में देखेंगे तो घाट पर बहुत ही ज़्यादा पानी था, लेकिन मैं आपको अपने कैमरे से दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे पानी बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि मिट्टी ही मिट्टी रह गया है अब। यहाँ पर पानी इसका स्तर इतना ज़्यादा जल्दी नीचे चला गया कि बहुत सारे बोर्ड देख सकते हैं कि आपको मिट्टी में ही फंसा हुआ है, यहाँ हुआ देख सकते हैं। पानी का स्तर एक्चुअली उधर चल गया, इधर मैंने 5-6 दिन पहले का जो वीडियो मैंने अपडेट दिया था तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर था,
और जब 4 से 5 दिन के अंदर ही पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया, जो कि आप देख सकते हैं कीचड़ उचड़ बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब बहुत सारे जो बोट्स हैं वो एक्चुअली सारा फंस चुका है इस मिट्टी के अंदर। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अभी हो सकता है बाढ़ बढ़ने का चांसेस हो, या अगर घटेगा तो सारे बोट्स को फिर खींच के पानी में ले जाया जाएगा। लेकिन ये अभी प्रक्रिया मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि अभी कहा नहीं सकता कि बाढ़ भी आ भी सकता है और नहीं भी। देख लो कितना पसीना आ रहा है, हर जगह पसीना पसीना हो रहा है। और एक्चुअली इस घाट का लाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कट गया है, तो अंधेरा अंधेरा आपको दिखेगा। लेकिन मेरे बैक साइड आप देख सक रहे हैं ना कितना फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और एक्चुअली अभी जस्ट तुरंत घाट का आरती भी ख़त्म हुआ है, तो इसलिए भीड़ थोड़ा थोड़ा छटने चालू हो जाएगा। और पीछे दो घाट पे होता था, एक तो मेरे पीछे यहाँ पे जो होता था आरती, ये ख़त्म हो गया है। और साइड में वो पीछे का दूर के साइड आप देखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ भी एक्चुअली आरती होता है, तो दोनों साइड होता है, तो वो भी एक साथ ही दोनों ख़त्म हो गया है। और मेरे जस्ट पास में देखेंगे सारा मिट्टी मिट्टी है यहाँ पर। तो 15 अगस्त के दिन आज के दिन सुबह मॉर्निंग का मेरी वीडियो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो जाकर तुरंत उसको देखिएगा। और वो एक्चुअली BHU कैंपस के अंदर BT का बना हुआ है, और उसमें भी बहुत सारे खूबसूरत वीडियो बने हैं, और अंदर बहुत सारी गैदरिंग है उनके थीम्स के अकॉर्डिंग। और आज का जो वीडियो अभी बना हुआ है वो आज शाम का मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आज बनारस के अंदर टूरिस्ट प्लेस के जगह बहुत ही भीड़ जा रहा है। तो मेरा थिंक था कि मैं दो वीडियो में कवर करूँ, दो एरिया दो जगह। एक मैंने BT कंप्लीट किया है BHU अंदर कैंपस का, और एक मैंने 80 घाट का यहाँ कंप्लीट किया है, इसको कवर करने का कोशिश किया है। तो हम लोग चलते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं। कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ 80 घाट तो अपना लेमन टी बनवाता हूँ। तो ये मेरे चौथी या पांचवी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इस लेमन टी को फिर मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि स्पेशली मैं जब 80 घाट आता हूँ तभी ये पीता हूँ, वरना नहीं पीता हूँ। ऐसे प्रॉपर ही मिल्क वाला ही चाय पीता हूँ। मसाला बढ़ा दीजिएगा भाई, इसमें थोड़ा मसाला चाहिए, नींबू कम रखिएगा, थोड़ा सा इसमें और मसाला बढ़ा दीजिएगा। सपना ये आ गया, देख सकते हैं लेमन टी, उसको टेस्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी सोच रहे हैं कि इतना गर्मी हो रहा है, पसीना निकल रहा है, और इतना गर्मी में भी हम नींबू वाली चाय पी रहे हैं। लेकिन शौक शौक का बात होता है, जरूरी नहीं कि गर्मी पड़े तो हम गर्म चीज ना पिए। तो शौक शौक का बात होता है कि गर्मी की चीज़ में जरूरी नहीं कि हम ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पिए। तो अपना शौक है गर्म गर्म गर्मी में भी, और लेमन टी का एहसास जो होता है वो अपने आप में अलग ही है। तो लेमन टी का सच बता रहे हैं, गर्मी में जो चाय पीने का मज़ा है ना, खास करके इन घाटों के बीच में, और ख़ास करके लेमन टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे भीड़ भी बहुत सारा कम हो गया है, और देख ही रहे हैं कि मेरे पीछे बैक में लाइट वाइट पड़ नहीं है, पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है कि जो कि मेरे सामने आप देखेंगे कि वहाँ पर वह देखने हुआ है। वो सारा जितना भीड़ देख रहे हैं ना, वो जो जितना बैठा हुआ है, स्पेशली इतना हाइट पे है कि यहाँ से आपको बहुत बढ़िया व्यू और जो आरती होता है वो एकदम क्लियर दिखता है यहाँ से। तो पहले आपने नोटिस किया होगा जो ये जो ज़मीन है यहाँ पे, अभी 5 से 6 दिन की बात है, यहाँ बोट खड़ा था, आपने मेरा पिछले वीडियो जाके विजिट करिएगा, यहाँ पानी था। तो इधर 4 से 5 दिन पानी कम से कम 10 से 15 फीट नीचे चला गया। टाइम भीड़ देख रहे हैं कि इस समय रात का बजने वाला 9:30 से 10, लेकिन फिर भी आप इन घाटों पे भीड़ देखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा फैमिली के साथ लोगों का। तो फ्रेंड्स एग्जीबिशन टाइप के लगे हुए हैं, जैसे पेंटिंग वेंटिंग होता है। तो ये हैंड पेंटिंग है, आपका देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर कलर से किया गया है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो कुछ ना कुछ एग्जीबिशन टाइप का यहाँ पे लोग लगा लेते हैं, और जैसे कि आप छोटी छोटी पेंटिंग्स आप खूबसूरत खूबसूरत देखेंगे, सारा हैंडमेड है और हैंड पेंटिंग है ये आपका। यहाँ पे सारा चीज़ जो भी बना हुआ है ये एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट बना हुआ है। और ये दो सी जो गुड़िया सी देख रहे हैं आपको, ये और एक ये दोनों लोग मिल के ये हैंडीक्राफ्ट इनके हाथ का बना हुआ है। सो आई कॉन्ट लिव दिस कि ऐसा चीज़ भी आज के टाइम लोग बनाते हैं और बन रहा है और देख रहा है। तो ये सब मेरी पेंटिंग्स और सारे छोटी छोटी क्यूट्स क्यूट्स सारे चीज़ हैं। और ये आई थिंक मेरी सबसे ये ईयर रिंग है। तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स ये देखेंगे,
का है या सही ये सब चल रहा है? ये 150 का। और ये सबसे प्यारी वाली छोटी छोटी कितने की है? 50 रुपीज की है। सबसे मिनिमम रेट क्या है आपके पास? 50 से स्टार्टिंग है। और लास्ट प्राइस कितनी है? 600। क्या है वो? वो 600 की है। वो क्या है? लैंप है, कुआं है। पानी होगी अंदर? नहीं, पानी नहीं होगा बेटा। और पानी है कुआं, पानी के साथ चार्ज बढ़ जाएगा क्या? आप आते हो तो ये एवरीडे लगता है आप लोग को? आप अगर आप लोग को लेना हो कभी ऐसा चीज़ें हो तो घाट से, जैसे 80 घाट से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लोग दिख जाएंगे। और सारे हैंडमेड चीज़ है, आप इनको ऑर्डर देके अपने मन से आप कुछ भी ऑर्डर बनवा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें बहुत सारे देख सकते हैं नाम राइट है, तो इस पर आप अपना भी नाम राइट कर ही सकते हैं। तो इसमें सारे चीज़ अपने हिसाब से मैटर को कर सकते हैं। और जो जेन्युइनली प्राइस है एक्चुअली जो होनी चाहिए वही आपको रिजनेबल प्राइस यहाँ पे मिलेगा लेने के लिए। तो आके यहाँ ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, इन लोगों के पास ज़रूर आइएगा एक बार आप। फ्रेंड्स अपने दिन के नज़ारे बहुत देखे होंगे 80 घाट के, और जब लाइट रहता है इस घाट पे उसके नज़ारे अलग होते हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम घाट पे लाइट नहीं है और इस रात के टाइम की व्यू आप देखेंगे किस टाइप के हैं। इस टाइम इस समय बंदा कोई भी नहीं दिखने वाला है, बिना जहाँ जहाँ लाइट है आप बस वहीं देखेंगे। और इस समय बोट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है पानी के अंदर जो खड़ा हुआ है, क्योंकि बोट पर ही केवल लाइट है। और जो गंगा जी में जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं बस वो आपको यहाँ दिखेगा के अंदर। फ्रेंड्स आपने कुछ देखा यहाँ पर? हो गया यार, एकदम चुनचुनाता हुआ ये लाइट है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आपको मैं देखता हूँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, एक नहीं कम से कम 10-10, 15-15 आपको यहाँ दिखेंगे। आज चलना है, आना है, 10:30 तक आ जाइए। इनका क्या प्राइस है फ्रेंड्स, थोड़ा भी पूछते। ये इसका छोटा वाला क्या प्राइस है? 150। ये 150 का। और बड़ा वाले का क्या चार्ज है? ये 2000 का है। और ये सब लाइट है क्या इसमें? नहीं, इन सबों में नहीं लाइट है। ये क्या है, वुडन है कि प्लास्टिक है? वुडन है। ये सारा वुडन है? टोटल वुडन है। ये मशीन से बनता है जी जी, कटिंग छोटे छोटे पीस में रहते हैं, इसको असेंबल करना पड़ता है एक एक पीस। और ये सबकी प्राइस 1700-1800 रुपए भैया बता रहे, जो लाइट वाली 2000 के नियर अबाउट है। तो आएंगे तो बहुत, अगर आप आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ नेगोशिएट नहीं होगा, आएंगे तो कुछ ना कुछ नेगोशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि है बहुत खूबसूरत और जो उसकी आर्ट कला है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। आई होप सो फ्रेंड कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत छोटी सी वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मैंने आपसे एक्चुअली वादा किया था कि मेरा आज सेकंड वीडियो आएगा, तो उस वादों को पूरा करने के लिए मैंने छोटी सी वीडियो डाला हूँ और नेक्स्ट प्लेस का मैंने डाला हूँ। और इसमें केवल मेरा फेस दिखता होगा, अगल बगल जितना होगा सारा ब्लैक ब्लैक दिखता होगा। आप इधर देख सकते हैं, चाहे आप इधर देख सकते हैं, सारा ब्लैक ब्लैक है। एक्चुअली मैं सीधे में बैठा हूँ, घाट पर बैठा हूँ अभी। तो बस आपसे यही कहना है कि जो वीडियो मेरी सुबह मॉर्निंग में आया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप उसको विजिट करिएगा। और बहुत खूबसूरत वीडियो बना हुआ है, विजिट टेंपल के अंदर का बना हुआ है। तो कैसे आज इंडिपेंडेंस लोग ने सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ, और इंडिविजुअल पर्सनल लोग आके अपना जो स्टूडेंट लोग थे वो इंजॉय किए, तो बहुत ही ज़्यादा इमेजिन और बहुत ज़्यादा हमने आज इस टाइम, अभी मैं 80 घाट पर बैठा हूँ और 80 घाट पर आज इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त के दिन लोग जो घूमने के लिए आए थे, गंगा आरती देखने के लिए आए थे, वो आज क्राउड बहुत ज़्यादा था। सो आई होप सो कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।